नमस्कार साथियों, आप सभी का साइकोलॉजी की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं साइकोलॉजी की क्लास में। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे शिक्षा विधियों के बारे में। मनोविज्ञान हमारा विषय है। मनोविज्ञान में हम जिनका अध्ययन कर रहे थे वो कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान में। जो शिक्षण विधियां हैं उनका शिक्षण विधियों को हमने दो रूपों में रखा था साथियों। शिक्षण विधियों को हमने दो रूपों में रखा था। एक तो थी हमारी आत्मनिष्ठ विधियां, आत्मनिष्ठ विधियां। दूसरी हमारी थी वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां और दूसरी हमारे सामने थी वस्तुनिष्ठ विधियां। इनको दो रूपों में रखते हैं हम विधियों को। एक आत्मनिष्ठ, दूसरी वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ विधियां हैं उसमें हम रखते हैं गाथा वर्णन विधि, और दूसरी हमारे सामने इसमें जो है वो है अंत दर्शन विधि। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में हमने पहले में कुछ चर्चाएं की हैं। उनमें पहली विधि है हमारे सामने प्रयोगात्मक विधि, और अगली जो है हमारे सामने बहिर्दर्शन विधि, और मनोविश्लेषणात्मक विधि, और उसके बाद में है हमारे सामने जीवन इतिहास विधि, फिर है हमारे सामने सर्वेक्षण या निरीक्षण विधि, फिर है हमारे सामने साक्षात्कार विधि, और फिर है हमारे सामने उपचारात्मक विधि, और फिर है विकासात्मक विधि। उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, इसमें एक विधि जो है वो है सर्वेक्षण। उसको ही हम किसी दूसरे के नाम से अगर जानते हैं तो वो है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि, इन विधियों के बारे में हम चर्चाएं करते हैं साथियों। हमारे सामने दो रूपों में रखी गई हैं ये विधियां। एक तो आत्मनिष्ठ विधियां हैं और दूसरी वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। इन दो विधियों के बारे में हम चर्चाएं करते हैं।
पहले इन दो विधियों के बारे में तो हम लोगों ने चर्चाएं कर ली हैं, जो हमारी आत्मनिष्ठ विधियां हैं उनके बारे में हमने अच्छे तरीके से चर्चाएं कर ली हैं। हमने जाना है कि ये विधियां हैं वो अमनोवैज्ञानिक हैं। क्या है अमनोवैज्ञानिक? ये एक क्लास में मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक होती है, कौन सी अमनोवैज्ञानिक होती है। मनोवैज्ञानिक होने का क्या कारण होता है, अमनोवैज्ञानिक होने का क्या कारण होता है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी। उसके बाद में हमारे सामने जो वस्तुनिष्ठ विधियाँ थी, इस विधियों को साथियों मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। इन विधियों को मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। ये मनोवैज्ञानिक विधियाँ थी और ये अमनोवैज्ञानिक विधियाँ थी, जिसे आत्मनिष्ठ विधि कहा जाता है। हमने जो चर्चाएँ की थी, एक तो प्रयोगात्मक विधि पे कर ली थी, दूसरा बहिर्दर्शन पे भी कर ली थी। बहिर्दर्शन पे हमारी चर्चाएं चल रही थी, लगभग कंप्लीट हो गई थी, एक बार पुनः आपको दोहरा देंगे थोड़ा सा। बहिर्दर्शन में क्या होता है कि बहिर्दर्शन का कई बार नाम पूछ लेता है वो। दूसरा, इन विधियों को मैं साफ करूँगा, केवल बताने के लिए लिखी हैं आपको कि इन विधियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। देखिए बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि के बारे में हम बात करें तो इस विधि के सबसे पहले जो मेन मेन बातें जो रह गई थी, इसमें एग्जाम्पल समझाया था मैंने आपको कल, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं जॉन ब्रोड्स वाटसन। जॉन ब्रोड्स वाटसन के बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी इनकी कि निवासी अमेरिका के थे। निवासी कहाँ के थे साथियों? अमेरिका के। और ये एक व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी थे। और ये व्यवहारवादी होने के कारण इन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। 20वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी यानी 1900 ईस्वी से लेकर वर्तमान का जो कार्य किया, वर्तमान तक का जो मनोविज्ञान चल रहा है, वर्तमान तक का जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का जनक कहलाने वाले यही थे। इनके एक शिष्य थे वुडवर्थ, वुडवर्थ शिष्य थे इनके वाटसन के। और वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के संबंध में एक अर्थ यात्रा परिभाषा दी थी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्थ यात्रा, अर्थ यात्रा परिभाषा दी थी। उस अर्थ यात्रा परिभाषा में इन्होंने मनोविज्ञान की रूपरेखा को बताया कि सबसे पहले आत्मा को छोड़ा गया, फिर मन और मस्तिष्क को छोड़ा गया, फिर चेतना को छोड़ा गया, और अपनाया है तो किसको अपनाया है? व्यवहार को अपनाया गया है। व्यवहार को अपनाने का एक ही मकसद था, इन्होंने कहा वाटसन ने, कि व्यवहार हमेशा प्लस होता जाता है, व्यवहार कभी भी माइनस नहीं होता। इसी विधि के प्रतिपादक थे जॉन ब्रोड्स वाटसन। जॉन ब्रोड्स वाटसन ने कहा था कि इस विधि को, ये जो विधि है इनको निम्न उपनामों से जाना जाता है, बहिर्दर्शन विधि को। इसके कुछ एक उपनाम दिए गए हैं, उपनामों के बारे में हम चर्चाएं करें तो हमारे सामने सबसे पहला जो नाम निकल कर के आता है वो आता है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि। दूसरा जो नाम निकल कर के आता है वो आता है अनियंत्रित निरीक्षण विधि। तीसरा जो है हमारे सामने, इसे कहते हैं अवलोकन विधि।
जो अंतर्दर्शन विधि थी उसकी विपरीत विधि है ये। अंतर्दर्शन विधि को हमने इंट्रोस्पेक्शन कहा था, तो इसे हम कहेंगे एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड इस विधि को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन विधि के नाम से जाना जाता है। ये विधियों इनके नाम से इन्हें विधि को जाना जाता है। और ये जितने भी नाम दिए गए हैं साथियों, इन सभी का एक ही अर्थ है, चाहे वो बहिर्दर्शन हो, चाहे वो निरीक्षण हो, चाहे वो अनियंत्रित निरीक्षण विधि हो, चाहे वो अवलोकन हो, चाहे वो इंट्रोस्पेक्शन हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, इन सभी का एक ही अर्थ है। वो अर्थ है कि ध्यान पूर्वक देखना, ध्यान पूर्वक देखना। इन सभी विधियों का एक ही अर्थ निकल करके जो हमारे सामने आता है वो ये आता है। इंट्रोस्पेक्शन तो अंतर्दर्शन विधि का था, ये उसका विपरीत रहेगा एक्सट्रोस्पेक्शन, और एक्सट्रोस्पेक्शन के बाद इसका ऑब्जर्वेशन रहेगा, और अवलोकन विधि और अनियंत्रित निरीक्षण निरीक्षण विधि, इन्हीं नामों से इसको जाना जाता है, जिसका अर्थ हमने कहा कि ध्यानपूर्वक देखना। इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि की एक सबसे बड़ी बात थी, देखिए मैं बताऊं आपको, इस विधि को हमने अगर सामान्य नाम दे तो निरीक्षण विधि कहेंगे। और एक कोलसेनिक नाम का विद्वान जो था उसने कहा था कि निरीक्षण दो प्रकार का होता है। इसी विधि में एक कोलसेनिक नाम का विद्वान था, कोलसेनिक ने कहा, कोलसेनिक के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार का होता है, कोलसेनिक के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है औपचारिक निरीक्षण, औपचारिक निरीक्षण, दूसरा हमारे सामने जो है वो है अनौपचारिक, निरीक्षण, औपचारिक निरीक्षण, अनौपचारिक निरीक्षण। औपचारिक निरीक्षण उसे कहते हैं नियंत्रित निरीक्षण, नियंत्रित निरीक्षण। अनौपचारिक निरीक्षण है उसे कहते हैं अनियंत्रित निरीक्षण। ये तो थे निरीक्षण के प्रकार। इसी विधि को हम जब पढ़ते हैं तो ये निरीक्षण के प्रकार हमें पढ़ने पड़ते हैं। ये कोलसेनिक के अनुसार थे साथियों। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तो थी सारी की सारी बातें इसमें, कि अवलोकन किस तरीके से किया जाता है, एक प्रयोगकर्ता होता है, एक प्रयोज्य होता है, एक प्रयोग होता है जिस विषय वस्तु से संबंधित होता है उसे प्रयोग कहते हैं, जिसके ऊपर रिसर्च की जाती है, जिसके ऊपर अनुसंधान किया जाता है उसे प्रयोज्य कहते हैं, जो करने वाला होता है वो प्रयोगकर्ता कहलाता है साथियों। ये तो चीज़ें थी हमारी सामान्य रूपों में, लेकिन इसको अगर हम देखें तो मैं अपनी देसी भाषा में, अपने भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूँ तो मैं एक ही बात कहूँगा कि ध्यानपूर्वक देखना यानी किसी चीज़ को देखना और देख करके उसके अंदर तर्क करना, वो ही हमारी अवलोकन विधि है, वो ही हमारी ऑब्जर्वेशन विधि है, वो ही हमारी ये निरीक्षण विधि है, उसी को हमने बहिर्दर्शन कहा है। अब अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन में सामान्य अंतर देखने को मिलता है साथियों। अंतर्दर्शन विधि वो विधि कहलाती है जब प्राणी के आंतरिक भाव हैं, प्राणी के आंतरिक विचार हैं, प्राणी के संवेग हैं, प्राणी की मूल प्रवृत्तियां हैं,
प्राणी के अचेतन मस्तिष्क में जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को आंतरिक स्वरूप में ही रखना क्या कहलाते हैं, हमारे अंतर्दर्शन कहलाता है। अब अंतर्दर्शन को मैं आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूं कि अंतर्दर्शन वो होता है साथियों जिसमें प्राणी क्या करता है अपने मैं कहता हूं कि एक ही बात है अंतर्दर्शन विधि में कि हम किसी दूसरे को देख करके अनुमान ही लगा सकते हैं लेकिन सार्थक सत्य नहीं कह सकते कि अब ये होगा या ऐसा हो रहा है। ऐसा हम बिल्कुल भी संभव नहीं कर सकते, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अब साथियों ये बात हम नहीं कह सकते कि ये सत्य है ये असत्य है ये इस तरीके की जो रूपरेखा वो अंतर्दर्शन में है क्योंकि हमारे आंतरिक विचार है, वो किसी के साथ हमने साझा नहीं किए, हमारे भाव हैं। अब कई बार क्या होता है कि प्राणी हमारा अपना दोस्त होता है और दोस्त अपने साथ बैठा रहता है, वो दोस्त मान के चलिए रोज़ाना हंसता है खेलता है हमारे साथ जो बातें हैं बड़ी बड़ी बातें वो करता है, हमने उसकी आदतों से उसके व्यवहार को जान लिया है कि वो किस तरीके की किस प्रवृत्ति में रहता है, खुश मिजाज है आनंद में रहना पसंद करता है। अब वो इस तरीके से तो रहता है लेकिन हम क्या करते हैं कि वो रोज़ाना इसी तरीके से रह रहा है। एक दिन क्या हुआ कि वो किसी वजह से परेशान था या उसके आंतरिक कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान था वो, और जब परेशान था तो वो ना तो हंस रहा था ना आनंद में रह रहा था, केवल और केवल दुख की मुद्रा में था। जो प्राणी हमेशा हंस करके रहता है एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें करता है वो प्राणी ही एकदम दूसरी मुद्रा में यानी दुख की मुद्रा में आ जाए तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं केवल और केवल संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, हमें अचानक रूप से तो ये नहीं पता लगा सकते कि इस प्राणी को इस प्रकार का कोई दुख है, ऐसा हम पता नहीं लगा सकते। तो ये था अंतर्दर्शन। बहिर्दर्शन में क्या होता है कि बाहर की चीज़ों का निरीक्षण किया जाता है, बहिर्दर्शन नाम से पता चल रहा है। तो अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन यानी अपने अंदर झांकना, बहिर्दर्शन ध्यानपूर्वक देखना बाहर की जितनी भी क्रियाएं हैं इस वातावरण में, प्राणी की वातावरणी सामाजिक शारीरिक और व्यवहारिक क्रियाओं को देखना ही क्या है बहिर्दर्शन। उसके बाद में देखेंगे तो उसका क्या हो रहा है, निरीक्षण है कि नहीं है, निरीक्षण है। और इसे क्या है, ये नियंत्रित नहीं है, इसे अनियंत्रित निरीक्षण विधि भी कहते हैं, अवलोकन विधि भी इसी का अवलोकन, और एक्सपेक्शन इंग्लिश में, ऑब्जर्वेशन भी इसे कहते हैं इंग्लिश में। अब क्या है साथियों, इस विधि में एक दोष पाया जाता है, जो बहिर्दर्शन विधि है उसका सबसे बड़ा दोष पाया जाता है, वो दोष सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कई बार प्रयोगकर्ता की लापरवाही के कारण यह विधि, कौन सी विधि, बहिर्दर्शन विधि, यह विधि नियंत्रित से अनियंत्रित निरीक्षण विधि में बदल जाती है। किसकी लापरवाही के कारण, मैंने कहा कि तीन चीजें होती हैं हमारे सामने, एक तो है हमारे सामने प्रयोग है, दूसरा प्रयोगकर्ता है, और तीसरा प्रयोज्य है। ये तीन चीजें हैं, और तीनों चीजों की हम बात करें तो इसमें प्रयोगकर्ता की बात कर रहा है, ये लापरवाही किसकी बात कर रहा है, प्रयोगकर्ता की। जब हम किसी का निरीक्षण कर रहे हैं, एक बात तुम लोग भी जानते हो, अगर तुम किसी के बारे में किसी कोई चीज़ तुम्हें मान के चली कोई देख रहा है, यानी आप मेरे को देख रहे हो, मेरा अवलोकन कर रहे हो, जब मेरे को ये पता चले कि मेरा कोई अवलोकन कर रहा है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करूँगा,
और जब मेरे को ये लगे कि कोई देख तो रहा ही नहीं है, उस समय हम अपने आप को एक सही तरीके से, और जो हम दिखते हैं ना वो नहीं होते हम रियल में, हमारा जो आंतरिक स्वरूप होता है वो हमारे जो मैं कहूँ अपनी भाषा में जो लंगोटिए यार होते हैं उनको पता होता है कि हम कैसे हैं। जब हम उन्हें पता होता है तो वो हमारे क्या है, आंतरिक स्वरूप है। और हम हमारे ऊपर अगर प्रयोग किया जा रहा है और पर हमें पता चल जाए कि प्रयोगकर्ता हमारे ऊपर प्रयोग कर रहा है, तो क्या हम कोई कमी आने देंगे? नहीं आने देंगे, कदापि नहीं आने देंगे। लेकिन जब हमें ये पता ना चले कि प्रयोगकर्ता हमें नहीं देख रहा, तो हमारी वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। जब हम यहाँ आ रहे हैं, कॉलेज में आते हैं, तो यहाँ कॉलेज में जब हम आते हैं तो हमारी वो वास्तविक स्थिति नहीं होती। यहाँ तो आना पड़ता है इस तरीके से, ना रोक करके और बैठ करके यहाँ अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो हमारे आंतरिक संवेग है, हमारी जो स्वरूप है, हमारी जो क्रियाएँ हैं, वो क्रियाएँ एक सही दृष्टिकोण में तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर तो प्रयोगकर्ता होते हैं। और जब जहाँ आपको ये पता, एक सीधी सी बात है कि जब हमें कोई देख नहीं रहा होता तो वहाँ अपने जो सही जो निर्णय निष्कर्ष है ना वो तब निकल करके आता है। जब कोई देख रहा होता है तो वहाँ सही उपयुक्त निष्कर्ष नहीं निकल करके आता। तो हम बस इसी कारण से कह सकते हैं कि ये जो विधि है, इस विधि में प्रयोगकर्ता की लापरवाही के कारण यह विधि कई बार नियंत्रित से अनियंत्रित निरीक्षण में बदल जाती है। कौन सी विधि? बहिर्दर्शन विधि, जिसे हमने क्या कहा, अवलोकन विधि। एक बार इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीधी सी बात, पहले तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है? जॉन ब्रोड्स वाटसन। वाटसन कौन थे? अमेरिका के निवासी थे और व्यवहारवादी थे। और इनका जो समय रहा था 20वीं शताब्दी से 1900वीं से लेकर के 20वीं शताब्दी यानी वर्तमान तक का जो स्वरूप, और व्यवहारवाद भी इन्होंने कार्य किया था। इनका एक कोटेशन है साथियों, कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने एक बात कही थी, मैंने कहा कि वाटसन के बारे में मैंने बताया कि वाटसन सबसे कम आयु के थे। जब मनोविज्ञान आ रहा था, जा रहा था, कोई भी एक सही स्थायित्व में नहीं रुक रहा था, तो उस समय पूरे विश्व के मनोवैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कौन से मनोविज्ञान को माना जाए। उस समय सभी ने मिलकर के अमेरिका में एक सेमिनार का आयोजन किया, और उस सेमिनार में एक ये बात रखी गई थी कि जो सबसे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, मनोवैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, कि वो सबसे ज़्यादा उम्र के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो पहले बोलेंगे, कम उम्र वालों को लास्ट में कम समय दिया जाएगा, कम मौका दिया जाएगा। इनके साथ वैसी ही घटना घटित हुई जैसी विवेकानंद के साथ घटित हुई थी। विवेकानंद को वहाँ सम्मेलन में बोलने का जो मौका मिला था वो बहुत कम समय मिला था, यानी सबसे अंत में मौका मिला था, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि सभी जितने बोल करके गए थे उनके बराबर अकेला बोल गया। वहाँ जो लोग बैठे हुए थे साथियों, आप आश्चर्यचकित करोगे कि लोगों ने अपनी सारी क्रियाओं के बारे में भी सोचना बंद कर दिया था। जिसको प्यास लगी थी उसने पानी पीना भूल गया, और भी क्रियाएं थी उनको क्रियाओं करना भूल गया, और केवल वो उनके होठों की तरफ देखते रहे कि आगे के शब्द क्या निकलेंगे। ऐसा ही जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने कहा, और वाटसन ने ये ही बात कही उस सम्मेलन में कि दुनिया में सारी भी जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें घटती रहती हैं, कभी घट जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं। प्राणी का वजन है वो भी घटता बढ़ता रहता है, प्राणी के और भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी घटती रहती है प्राणी का, लेकिन व्यवहार जो है वो व्यवहार कभी भी घटता नहीं है, वो व्यवहार हमेशा प्लस होता जाता है। ये बात वाटसन ने कही थी अमेरिका के उस सम्मेलन में, व्यवहारवाद का जब जिक्र चल रहा था, तो उस समय वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जितने भी मनोवैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे उनसे पीछे से आवाज़ आई, क्योंकि जब अच्छी बातें चल रही होती तो हम कहते हैं वंस मोर, यानी एक बार और पुनः दोबारा सुनाइए। तो वहाँ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वंस मोर, तब इन्होंने एक अच्छा सा कोटेशन दिया जो कि हर बार एग्जाम में छाया रहता है, वो ये था साथियों कि तुम मुझे एक शिशु दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, कुछ भी बना सकता हूँ।
ये बात कही थी किसने? वाटसन ने कही थी साथियों, वाटसन का ये कोटेशन था, बहुत बार एग्जाम में था। एक तो ये वुडवर्थ की जो अर्थयात्रा परिभाषा है, इसको परिभाषा जो विचार होते हैं मनोवैज्ञानिकों को, वो विचार ही परिभाषाओं का रूप ले लेते हैं और फिर वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो एक तो वुडवर्थ का था जो था, उसकी अर्थयात्रा परिभाषा को बार बार पूछा जाता है, और एक वाटसन की परिभाषा है, इसको बहुत बार पूछा जाता है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई विधि के साथ। धन्यवाद।